वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां श्री सुहेला साहिब जी दे पाठ दे महात्म दे उत्ते विचार करांगे। गुरु नानक देव जी दे समय सुहेला साहिब पहले मद्दम विच भाव दुपहर दे समय विच कीता जांदा सी। फिर गुरु अंगद देव जी की बेनती दे सदका सुहेला साहिब जी का समा बदल के रात नूं सौण वेले कर दिता गया। इसका समा बदलन की साखी कुछ इस प्रकार है। एक बार गुरु नानक देव जी करतारपुर साहिब विखे दोपहर के समय पलंग उपर विराजमान सन। गुरु अंगद देव जी उन्हां दे चरण कवल झस रहे सन। झसदे झसदे गुरु अंगद देव जी दे हथ लिबड़ गए। गुरु अंगद देव जी ने अखां खोल के देखिया तां उन्हां दे हथ लहू नाल भरे हुए सन। उन्हां ने अचानक हैरान हो के गुरु नानक देव जी नूं पुछिया कि तुसीं किधरे बाहर तां गए नहीं, फिर तुहाडे पैर उत्ते कंडे किस प्रकार लगे। इह सुण के गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक अयाली बाहर बकरियां चराउंदा होया श्री सुहेला साहिब जी का पाठ कर रहा है, अते उस जगह कंडे बहुत हन। ते साडा यह नियम है कि जेकर कोई सिख प्रेम नाल श्री सुहेला साहिब जी का पाठ करेगा ता उसकी रखिया असी आप करांगे। बूझियो लहणै द्वै कर बंदे, किस बिद कंटक लगे मुकंदे, वहर कहूँ अस ठौरन माही, गमने प्रभु आप कब नाही। अब लागी है परै लखाई, एह कारण मुझ देहो बताई, सुनकै श्री गुर गिरा अलाई, एक अयाली अजा चराई। गुरु नानक देव जी कहिंदे जेड़ा सिख प्रेम नाल सुहेला साहिब जी का पाठ करेगा असी उस दे नज़दीक हो के आप सहायता करांगे, असी उसनू कदे भी कंडे लगन नहीं दांगे। दोहरा मन एकांत है प्रीत युत, पड़ै सुहेला सोए, कंटक चार अपार जह, फिरत प्रेम मह होए। चौपई हवै समीप बिचरो तै संगा, लगने द्यों न कंटक अंगा, तहां चरीट लगी इह जान हो, लहणे साच बचन मम मान हो। पड़ै सुहेला जो कित को तै समीप, निश्चे मैं हूँ। एक गल सुन के लहणा जी ने कहा, महाराज दासे तकलीफ नूं सहार नहीं सकदा, आप किरपा करके सुहेला साहिब पाठ करन दा जो समा है उसनू बदल के किसे होर समय रख दो। गुरु नानक देव जी ने भाई लहणा जी की बेनती नू प्रवान करदिया कहा कि एक सिख नू भेजो अते उस अयाली नू मेरे कोल बुलाओ। भाई लहणा जी ने जल्दी ही एक सिख नू भेज के उस अयाली नू गुरु नानक देव जी पातशाह जी दे अगे खड़ा कर दिता अते बेनती कीती, हे पातशाह वो अयाली आ गया है। फिर गुरु नानक देव जी ने उस अयाली नू कहा, हे सिखा अज तो बाद सुहेला साहिब दा पाठ सौण वेले रात नू करना है। अते बाकी सिखा नू भी बेनती कीती, फरमान जारी कर दिता कि अज तो बाद सुहेला साहिब जी दा जो पाठ है वो रात नू सौण वेले करना है। यथा कृपा दृष्ट को देख गुसाई, तह अयाल सो गिरा अलाई। दोहरा सोवन समय बखानिए, कंठ सुहेला जोए, अद खुशी बहरो करी, द्वैत हृदय ते खोए। और सारी संगत नूं भी सुना दिता गया उस दिना तो लैके फिर अज तक सारे सिख सुहेला साहिब जी का जो पाठ है वह रात नूं सौण लग्या करदे हन। देखो साध संगत जी, सुहेला साहिब का जो महात्म है वह किड्डा वड्डा है, पर असी सुहेला साहिब किन्नी जल्दी जल्दी दे विच एक मिनट के अंदर अंदर पढ़ के सो जाईदा। कई बार असी सुहेला साहिब जी का पाठ करते भी नहीं, इस तरह सो जाईदा। इस करके
साध संगत जी किसी भी बाणी नूं पढ़न तो पहला उसका महात्म जानना बहुत जरूरी है। हर एक बाणी का अपना अलग महात्म है, हर एक बाणी नूं पढ़न का अलग नियम है, अलग समा है। इस करके सोहिला साहब जी का जो पाठ है रात नूं सौण वेले आराम नाल 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर अंदर करना चाहिंदा है। इतनिया ही बेनतियों नूं प्रवान करो। पाठ करदिया कथा करदिया अनेक प्रकार दियाँ भुलां गलतियां हो गई होणगियां, अणजाण बच्चे समझ के माफ़ करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।